শুধু তোমার দেয় নাই যে আমার দিছে নিন্নি আগে নিন্নি এসে গেছে নিন্নি গরম হবে না गुड इवनिंग वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है कैसे हो आप सब होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी देखो इधर रेडी हो गई है एंड कैसे लग रही है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ एंड मैं कैसे लग रही हूँ वो भी बताओ थोड़ा सा बाहर जा रही है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है तो मैं वॉइस ओवर वगैरह करने के लिए तो क्या क्या होगा कुछ प्लान नहीं है तो जो जो होगा आपके सामने रहेगा तो चलो आप ब्लॉग देख रही कॉक कॉक देख रही है वेयर इज द कॉक कॉक मम्मू वेयर इज योर कॉक कॉक वो देखो कॉक कॉक देखो आज का मौसम कुछ इस तरीके से है बहुत ही प्यारा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि पूरा क्या बोलते हैं पहाड़ दिख रहा हो आइस का पहाड़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है मम रूही इधर सभी को देखने में भी बिजी है सभी खेल रहे हैं उसे वो देखना है শুধু তোমার দেয় নাই যে আমার দিছে জল দাও অল্পটু এমনি জল ওই ঢাকন অল্পটু দাও হে শুনু এ তোমার খানে কি চিজ নেই হে বচ্চা আরে বাপরে बस ये आपका नहीं है रूही को बनाना मिल्क शेक चाहिए उसकी मामी ने मुझे दिया है एक ग्लास तो वो उसी पे उसके ऊपर ही झपटी मार रही है कि उसे भी पीना अभी है। हम आ गए हैं मोमोज खाने के लिए द मैट चाट के स्टॉल पे एंड ये वाला न्यू स्टॉल खुला है मे बी 3-4 दिन से ये स्टॉल लगा है हमारे यहाँ पे नया सो देखो यहाँ पे सब कुछ मिलता है बर्गर और भी बहुत सारे आइटम मिलते हैं लेकिन मैं जब गई थी तब सिर्फ बर्गर एंड मोमोज ही था स्टीम मोमोज एंड फ्राइड मोमोज दोनों था बट बर्गर जो है वो ख़त्म हो गया था तो ये दूसरों का है इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हाँ यहाँ पे भी मिलता है सो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो बर्गर ज़रूर ट्राई करूँगी एंड आपको बताऊँगी कि उसका टेस्ट कैसा है सो रूही तो यहाँ पे स्टॉल की तरफ देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी हंस रही थी क्योंकि लाइटिंग लगा के है पूरे स्टॉल के चारों ओर एंड बहुत सारे आवाज़ें आ रही है तो वो वही देख रही है और इधर उधर की लाइट्स को भी देखी जा रही है
और कोई भी आके उससे बात कर रहा है तो वो उसके मुंह की तरफ ऐसे यू करके देख रही है एंड एकदम देखो उसका फेस गुमसुम सा हो गया है। सो हम आए हैं थोड़ी देर पहले ही, 10-15 मिनट हो रहा है, आके थोड़े टाइम तक भाभी के साथ बैठी थी एंड उसके बाद जो है भाभी ने वो बनाना मिल्क शेक दिया, वो पी के फिर हम आ गए मोमोज खाने के लिए। सो मोमोज का जो स्टॉल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक गाड़ी के अंदर बिठाया गया है, ये देखो यहाँ से पीछे से डोर है एंड सामने जो है गाड़ी का फेस है। सो इस स्टॉल को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मतलब पोर्टेबल स्टॉल जिसे बोलते हैं। मोमोज खा के फिर हम जाएंगे थोड़ा सा ज्वेलरी शॉप, सो कुछ लेने का प्लान है। सो देखती हूँ अगर मेरे हस्बैंड मुझ पर मेहरबान होते हैं तो शायद से लेना होगा एंड नहीं तो नहीं होगा। सो ये देखो मेरा प्लेट आ गया है एंड सच में बहुत ज़्यादा वाव मोमो बोल सकते हो, वाव मोमो की तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। रेगुलर मोमो की तरह यहाँ पे भी एक प्लेट में 6 मोमो आपको मिलेंगे, तो मुझे एक एक्स्ट्रा दिया था, मुझे 7 मोमो दिया था क्योंकि मेरे जान पहचान के है इसीलिए शायद से। तो अगर आपको भी खाना है टेस्टी टेस्टी मोमो तो जल्दी से आ जाओ सुभाषग्राम के मार्केट पे। सो टाइमिंग मैं बता नहीं सकती, शाम को ही आई थिंक खुला रहता है स्टॉल, नेक्स्ट टाइम अगर जाऊँगी तो मैं बता दूँगी। एंड ये जो ब्लॉग देख रहे हो ये कुछ दिन पहले का ब्लॉग है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इस गर्मी में एडिट करने का, जिसके वजह से आज मैं इसको एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। तो चलो देखो मैं इधर मोमो खा रही हूँ एंड रूही उधर मेरा दुपट्टा खाने में बिजी है। सो रूही को लगता है कि क्या मम्मी मुझे दिखा दिखा के हमेशा खाती रहती है, मुझे कुछ देती है नहीं। सो नेक्स्ट मंथ से मतलब कुछ ही दिनों के बाद से रूही का भी क्या है फिर से अन्नप्राशन है, मामा भात जिसे बोलते हैं। सो मामा भात है उसका, तो उसके बाद से वो खाना स्टार्ट कर देगी। मोमो खा के हम सीधे ज्वेलरी शॉप आ गए हैं, तो रूही के लिए कुछ लेने का प्लान है तो देखते हैं अगर मिलेगा तो ले लेंगे। एंड क्या है ना हमारे यहाँ पे ज़्यादा सामान स्टॉक पे नहीं होता है, ऑर्डर देना रहता है उसके बाद जाके वो बना के देते हैं तो उसमें बहुत टाइम जाता है, इसलिए हमने सोचा कि अगर कुछ मिल जाए रेडीमेड तो वो लेना बेटर होगा, क्योंकि ऑर्डर देंगे फिर कितने दिन बाद आएगा पता नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है प्लान चेंजेस हो जाता है हर बार। तो इस बार देखते हैं अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे। एंड ये देखो मैं ये नेकलेस देख रही थी गोल्ड का, सो मुझे तो बहुत पसंद आया तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे चाहिए ये वाला, बट एज़ यूजुअल हर हस्बैंड जैसा करते हैं, नो मीन्स नो, अभी पैसे नहीं है। तो चलो अगर कभी मौका मिलेगा तो ले लूँगी एंड अगर नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। सो मुझे उतना शौक है नहीं, बस कभी कभी जो है मन करता है फोटोज़ में वीडियोज़ में देख के कि नहीं ये कलेक्शन तो चाहिए, तो देखती हूँ अगर होगा तो ले लूँगी क्योंकि अच्छा लग रहा था मैंने वियर किया था। एंड अभी देखो रूही यहाँ पे खेल रही है मेरे साथ प्लस उसकी मामी के साथ एंड रूही की दीदू ने क्या बोलते फामी जो है वो बाहर गए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आ गए थे। खाना वाना थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाता है रूही के लिए भी अच्छा है कुछ दिन बाद घर से निकलना, नहीं तो वो हमेशा घर के अंदर रह के बोर हो जाती है। तो चलो इस छोटे से ब्लॉग में इतना ही, अभी मैं रोटी बनाने जाऊंगी एंड साथ में है मटन एंड मेरे लिए है एग क्योंकि मैं मटन नहीं खाती, सो मेरे हस्बैंड के लिए मटन है एंड दोनों भैया सभी खाते हैं, बस मैं अकेली नहीं खाती एंड रूही तो खाती नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड रूही का चिल्लाना आप लोग सुनो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।